मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग होटल से चेकआउट कर लिए हैं और होटल से चेकआउट करने के बाद में हम लोग आए हैं संबलपुर का जो फेमस टेम्पल है माँ समलेश्वरी। थोड़ा माफ कीजिएगा, यहाँ पे काम चल रहा है और मंदिर का घंटी वगैरह सब बज रहा है तो शोर बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमारा समलेश्वरी माता का जो दर्शन है वो पूरा हो गया है। यहाँ से अभी हम निकलेंगे, हीराकुद डैम देखेंगे, फिर भुवनेश्वर के लिए निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ में और आप देखिए माता की मंदिर में, आपको दिखाता हूँ मेरे बैकग्राउंड में है। तो ये है माँ का मंदिर, यहाँ पे अभी उसका एंट्रेंस है वो जो पेड़ के नीचे, और इस तरफ कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, मतलब टेंपल का ही डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ से एक रास्ता बनाया जा रहा है, महानदी जो है ना सामने, एकदम महानदी है, महानदी के तट पर जाने के लिए। तो ऐसा कुछ मंदिर का प्रांगण है। तो फ्रेंड्स हम लोग का दर्शन हो गया माँ समलेश्वरी का, और मंदिर से अभी हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग जाएंगे अभी हीराकुद डैम, यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर रहेगा। वहाँ से दर्शन करने के बाद में मार्केट जाने का प्लान है, देखेंगे मार्केट में कैसा है सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूछ रहे तो कोई बता रहा था कि संडे को जनरली मार्केट बंद रहता है। एनीवे हम देख लेंगे थोड़ा मार्केट, फिर निकलेंगे सीधा भुवनेश्वर। और हाँ, बीच में नाश्ता भी करना है, भूख लगी है, पेट ने जवाब देना चालू कर दिया है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ में और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लेते आते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं अभी हीराकुद डैम। तो फ्रेंड्स हम लोग हीराकुद पहुंचने ही वाले हैं और ये आगे पहाड़ी वगैरह दिखना चालू हो गया, उधर ही डैम है, इधर भी देखिए क्या मस्त नजारा है, पहाड़ी वगैरह एकदम, ग्रीनरी कितना है, सब कुछ हरा भरा है एकदम। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली आके पहुंच गए हीराकुद डैम के पास में। यहाँ पे देखिए केबल कार जा रही है दो, और ये है सामने मेन डैम गांधी मीनार। तो ये है जो मेन डैम का रास्ता। अच्छा लोग यहाँ पे खड़े भी है, वहां पे जो मीनार बना है ना उसका नाम गांधी मीनार है, गांधी जी का मीनार। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए फाइनली हीराकुद डैम के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स हीराकुद डैम देख लो, सेटा तार बंधटा सेटा होची अर्दन डैम टा,
अर्थ ड्यामटा सेटा बंध बंधा है देख लो। तो फ्रेंड्स मामाली को कुछ फैक्ट्स बताना है, अभी नेक्स्ट टर्न जो है वो मामाली। तो ये जो फैक्ट है वो मैंने खुद एकदम दिमाग लगा के बनाया है, खुद का फैक्ट। हीराकुद डैम को हम हीराकुद इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक बड़ा सा हीरा था जो कि इस डैम से कूद गया, इसीलिए उसको हीराकुद डैम बोलते हैं। कैसा लगा मेरा फैक्ट? तो फ्रेंड्स बात ऐसा है कि हम लोग अभी मैंने आपको रास्ता दिखाया ना, वो रास्ते में जा रहे हैं लेकिन गूगल का मंजूर नहीं है कि हम लोग ये रास्ते में जाएं। एक्चुअली यही जो रास्ता है ये संबलपुर से भुवनेश्वर जाने का रास्ता है, बाया अनुगुल। अनुगुल आता है ढेंकानाल का बाईपास, ढेंकानाल सिटी नहीं आता है, बाईपास होकर निकल जाता है फिर कटक फिर भुवनेश्वर। लेकिन गूगल को हमें दूसरे रास्ते में लेके जाने का है, वो तभी से वही बोल रहा है कि आप यू टर्न लेके जाओ और यू टर्न क्रॉस करेंगे तो आगे का यू टर्न दिखा रहा है। तो इसके लिए मेरा सजेशन है कि पूरा गूगल के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कभी कभी ये घुमा देता है। हमेशा नहीं घुमाता है लेकिन कभी कभी अगर आप नहीं थोड़ा रोड मैप को स्टडी नहीं करोगे तो वो घुमाएगा फिर आपको। जैसे अभी ये एक्चुअली हार्डली संबलपुर से भुवनेश्वर जो है 230-240 किलोमीटर होना चाहिए और ये हमें घुमा के लेके जा रहा है 340 किलोमीटर, मतलब जो रास्ता दिखा रहा था। तो उसी हिसाब से बोलता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि मुझे भी झटका लगा जब दिखाया कि संबलपुर से भुवनेश्वर 348 किलोमीटर, मेरा भी दिमाग खनका था तभी। चलिए हम तो चल रहे हैं इसी रास्ते में लेकिन ये अभी भी बोल रहा है कि यू टर्न ले लो, ये देखिए। और ये यू टर्न अगर मैं मिस कर देता हूँ, नहीं लेता हूँ, तो फिर वो आगे के लिए बोलेगा आगे से यू टर्न ले लो। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, अभी गूगल पागल हो गया है। तब तक आप रास्ता देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत रोड है। ये रोड पहले 2 लेन का हुआ करता था जब मैं गया था लास्ट टाइम इसमें, बहुत पहले 2011 में। उसके बाद में इस रोड पे मैं नहीं ट्रैवल किया है। उस टाइम पे इसकी खूबसूरती ना और भी अच्छा था क्योंकि जंगल पूरा रोड से सटा हुआ था। अभी थोड़ा रोड वाइड कर दिया तो जंगल थोड़ा काट दिया गया और जंगल थोड़ा पीछे चला गया। देखिए कितना घना जंगल है, लेकिन उस टाइम पे जंगल पूरा रोड से सटा हुआ था। जैसे ही रोड खत्म होता है तो पेड़ों, मतलब जंगल का जो पेड़ है ना वो पूरा रोड से लगा हुआ था, शोल्डर के ऊपर ही थे। अभी गूगल मैप्स में कोई रास्ता ही नहीं दिखा रहा है लेकिन हम तो चल रहे हैं और हम पहुंचेंगे इसी रास्ते से चल के भुवनेश्वर। कितना प्यारा रोड है देखिए, एकदम नया सड़क बन के तैयार हुआ है, कंक्रीट का रोड है और दोनों तरफ घना जंगल। और ये जो पेड़ है ये क्या बोलते हैं, हमारे इधर तो साल का पेड़ बोलते हैं इसको, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, टिक माने सागवान। और ये जो है ये फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, इसका लकड़ी एकदम लाल कलर का होता है। एनिमल क्रॉसिंग यहाँ से, हाँ साड़ा को छोड़ा को। यहाँ पे इस जंगल में ना हाथी का ना हाथी बहुत है। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है एनिमल क्रॉसिंग, मतलब ये हाथियों का जगह है। और ये रोड का काम अभी भी चल रहा है, बीच बीच में फ्लाईओवर वगैरह जहाँ पे एनिमल पासिंग वगैरह है या फिर गांव है तो वहाँ पे फ्लाईओवर का काम चालू है। जैसे यहाँ पे कोई गांव नहीं है लेकिन ये एनिमल क्रॉसिंग है करके यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है ताकि जो जंगली जानवर है ना वो उसके नीचे से सड़क के इस पार से उस पार चले जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो काम रोड काफ़ी हद तक बन के कम्प्लीट हो गया है लेकिन फ्लाईओवर वगैरह का काम अभी भी चालू है बीच बीच में। इसके लिए डाइवर्सन, प्रॉपर डाइवर्सन दिया गया, ऐसा नहीं है कि कच्चा सड़क दे दिया गया है।
जो डाइवर्सन भी बनाया है उसमें भी ये भी बिटुमिन का रोड बनाया है प्रॉपरली, तो अच्छा लगा मुझे ये देख के कि काम एकदम सिस्टमेटिक तरीका से हो रहा है। फ्रेंड्स, जो रोड 4 लेन का था अभी वो 2 लेन में कन्वर्ट हो गया है। अभी कितना दूर 2 लेन है पता नहीं है, लेकिन रोड का कंडीशन अच्छा है, ठीक ठाक है। बीच में थोड़ा खराब था, लेकिन वो थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा पैच नहीं था, बहुत कम था, मतलब 1-1.5 किलोमीटर। अभी तो रोड अच्छा मिला हम लोगों को। और हाँ, फाइनली गूगल ने ये रूट को दिखाना चालू कर दिया, तो फाइनली गूगल ने माना कि हाँ भाई आप सही जा रहे हो, अब जाओ इसी रास्ते से। तो हम तो पहले से जिद में पकड़ के बैठे थे कि हमको तो इसी रोड में जाना है करके, जो रोड का बात बता रहा था मैं। ऐसे एक्चुअली 2 लेन रोड में ना ड्राइव करने के लिए बहुत मज़ा आता है, और ख़ास करके अगर रास्ता जंगल वाला हो तो। अभी जो ये जो छोटा सा कस्बा है इसका नाम है रेढ़ा खोल, इसके बाद में बोइंडा करके एक जगह आता है, वो भी डेंस फॉरेस्ट एरिया है पूरा एकदम, छोटा सा कस्बा यहाँ पे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है या अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में है आई एम नॉट श्योर, कन्फर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले अनुगुल भी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, अभी वो अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। लोगों को हॉर्न ना बजाओ तो लोग साइड देने के लिए तैयार नहीं, मतलब उनको पूरा रोड को कवर करके चलना है। मार्केट है करके ब्रेकर बहुत सारे हैं, और वो भी बहुत बड़े बड़े एकदम। खाना आता ही एकदम दबाने में लग गए, मतलब एकदम कंसंट्रेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए। प्योर देसी ओडिशा वाला फूड। फ्रेंड्स, हम लोग अभी कटक जस्ट क्रॉस कर रहे हैं,
हम अभी जो ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं, ये जो ब्रिज है ये रिवर महानदी का जो ब्रांच रिवर है काठजोड़ी, उसके ऊपर बनी हुई है। नया ब्रिज है ये, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो भुवनेश्वर अभी हम लोग को और 40-45 मिनट लगेगा हमारा जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। एक्चुअली अंगुल से निकलने के लिए हमें लेट हो गया, हम वहां से करीब 7 बजे निकले। रात के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग अभी जस्ट भुवनेश्वर में एंट्री कर रहे हैं। हम लोग पूरा थक के चूर हो गए एकदम, क्योंकि आज बहुत घूमना हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। गुड नाइट फ्रेंड्स।